अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं बात है सच और मैं हूं आपका सज्जन आपका बेली नौमान चौहान। हालिया जो हिंदुस्तान में एक वाकया हुआ जिसमें आप देख सकते हैं कि हिंदू जनूनी के टोले एक मुसलमान बच्ची को बेनकाब कर रहे हैं या करना उसको चाहते हैं, उसको घेर रहे हैं, मगर वो बच्ची कैसे कैसे दिलेरी के साथ वो नारे तकबीर अल्लाह अकबर बुलंद करती है। अब उसका जोश, उसका जनून, उसका जज्बा मुलाहजा फरमाए प्यारे नाजरीन, ये है ईमान, ये है वो हक, औरत का वो हक जिसके लिए वो लड़ रही है। ये हक नहीं है कि मैं बेलिबास हो जाऊँ, मेरा जिस्म मेरी मर्जी, मैं जो चाहे करती रहूँ। ये सारी दुनिया के मुसलमान बच्चियों के लिए ये बच्ची एक आइडियल है। इसने एक दिखाई तस्वीर दिखाई है कि ईमान वाली बच्ची बेहया नहीं होती, बेलिबास नहीं होती, वो अपने हया पर कट सकती है, वो मर सकती है, वो उस पर कंप्रोमाइज़ नहीं कर सकती, वो डरती नहीं, वो छुपती नहीं, वो बिकती नहीं है। ये देखें हिंदू जुनूनी उसको कैसे घेरने की कोशिश कर रहे हैं। मगर याद रखें प्यारे नाज़रीन, अल्लाह ताला फरमाते हैं जब कि मुझ पर यकीन रखता है, कुरान की आयत है, वमन यतवक्कल अल्लाह फहुव हस्बुह, जो अल्लाह पर कामल यकीन रखता है, अल्लाह पर भरोसा रखता है, अल्लाह कहते हैं मैं उसके लिए काफ़ी हो जाता हूँ, मैं उसका साथी बन जाता हूँ, मैं उसका मददगार बन जाता हूँ। आप देखें अल्लाह उसकी कैसी मदद के लिए आए। वो जुनूनी उसके करीब नहीं आ पाए, वो लड़की अकेली है, उसके जोश के सामने वो 100 से ज़्यादा वो हिंदू जुनूनी है वो दूर है। उसने कलमा हक बयान करके सारी दुनिया की औरतों को ये पैगाम दिया है, असल में मुसलमान बच्ची ऐसी होती है। एक तरफ तो सारी दुनिया की मुसलमान बच्चियां, माएँ, बहनें वो गैरों के तरीक़ों पर चलकर वो किस तरह के बेहया लिबास पहन रही हैं, और एक तरफ हिंदुओं के मुल्क के अंदर, गैर मुस्लिम माशरे के अंदर वो बच्ची कैसे इस्लामी तशख़्स को बरकरार रखे हुए है। मेरा ये मुल्क जो हमने कलमे के नाम पर हमने बनाया था और कुर्बानियाँ दी थी, आप वहां देखें क्या 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 मियार है, बेहयाई किस तेजी से फरोग में पा रही है, बेहयाई ऐसे फैल रही है जैसे खुद रो पौधे खुद ब खुद में पैदा हो जाते हैं। उनके लिए ये बच्ची मिसाल है कि मुसलमान बच्चियां बेहया नहीं होती। जान तो जा सकती है, मुसलमान बच्ची बेहया नहीं हो सकती। प्यारे नाज़रीन, ये सब पर फर्ज है, इस बच्ची के पैगाम को अपने तमाम कॉन्टैक्ट में ज़रूर शेयर करें। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए इसको लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।